निजी बैंकों में भी अच्छा मूव है। कर्नाटका बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक और येस बैंक। आरबीएल बैंक तो इनफैक्ट 52 वीक हाईस पर ट्रेड कर रहा है और विद वॉल्यूम्स ये सभी शेयर्स चल रहे हैं। एक रिपोर्ट भी आज आई थी प्राइवेट बैंकों से जुड़ी हुई, जिसमें जितने भी छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में एचएनआईज और म्यूचुअल फंड हाउसेज ने काफ़ी एक्सपोजर लिया है। और जो नाम सामने आए हैं उसमें साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, आरबीएल बैंक और फेडरल बैंक शामिल हैं। टेक्निकली आपको सबसे स्ट्रांग कौन सा लग रहा है इन छोटे प्राइवेट बैंक्स में इम्तियाज़? देखिए, अगर छोटी बैंक की बात करें तो मैं कम से कम एक छोटा स्टॉक है यहाँ पे जिसका राइट इशू आ चुका है, साउथ इंडिया बैंक। काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, 23-24 रुपए से फॉल डाउन हुआ 16 रुपए, अब इसके रिट्रेस में स्टार्ट हो रहे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 24-25 रुपए के लेवल को सरपास कर जाए। वेरी माइल्ड स्टॉप लॉस, 20 रुपया काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये स्टॉक 20 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस नहीं देता तब तक पोजीशन होल्ड करना चाहिए और ऊपरी स्तर में 24-25 रुपए तक के टारगेट के लिए वेट करना जी। तो चलिए, साउथ इंडियन बैंक एक स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है इम्तियाज़ को, इसे देखा जा सकता है नई पोजीशंस के लिहाज से। इस बीच कुछ विजुअल्स आ रहे हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं। और आज ये जयंत सिन्हा जो हैं वो आप देख भी सकते हैं। आज इनफैक्ट रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कुछ Once again, let's put our hands together of inauguration of this Rohini heliport. दरअसल हेलीकॉप्टर्स के लिए अलग से एक पोर्ट है, वो डेवलप हो रहा है और उसी के इनॉग्रेशन आज होना है। विजुअल्स आपने देखे भी अपनी स्क्रीन्स पर, दिल्ली के रोहिणी में ये इनॉग्रेशन होना है। रोहिणी हेलीपोर्ट के नाम से ये जगह है और अभी आपने देखा भी था अपनी स्क्रीन्स पर, इनफैक्ट इनॉग्रेशन अभी अभी हुआ। जयंत सिन्हा को आपने अभी देखा भी। प्राइवेट बैंक्स की हम बात कर रहे थे लेकिन कुछ और पॉकेट्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा खासा मूव है। फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स आप देखिए, एक ज़ोरदार मूव है आज इस पूरे ही स्पेस में। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर लाइफस्टाइल और फ्यूचर कंज्यूमर, अच्छी बढ़त लेकर ये सभी शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर रिटेल स्पेशली, इस पर बातचीत कर लेते हैं। इंटरडे हाई से नीचे ज़रूर आया है लेकिन आज दो खबरें रही हैं फ्यूचर रिटेल को लेकर। पहली तो ये कि मॉर्गन स्टैनले ने कवरेज इनिशिएट किया है, 350 के टारगेट्स की बात की, यानी इन लेवल से भी 40% तक अपसाइड वो देख रहे हैं। और दूसरा ये सुबह खबर भी आई थी कि अपने पूरे बिजनेस को ये रीस्ट्रक्चर करेंगे, ई जोन को बिग बाजार के साथ ही मर्ज कर सकते हैं, इस तरह की खबरें थी। स्टॉक अभी भी 15 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये फ्यूचर रिटेल कैसा लग रहा है इम्तियाज आपको? देखिए, काफी ज्यादा बढ़त हो चुकी है यहाँ पे और थोड़ा अपर शेडो आज के सेशन में बना हुआ है। अगर हम देखेंगे ऑलरेडी जो ब्रेकआउट पॉइंट था 129-130 के आसपास था, वो तकरीबन 270 हो चुका है। हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, बट यस, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट करंट लेवल पे बाइंग करना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल है जी। तो ये व्यूज आपने सुने इम्तियाज के फ्यूचर रिटेल पर। स्टॉक करीब 15 रुपए ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है 6.5% की बढ़त के साथ। इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छा रुझान है, एमईपी इंफ्रा, सद्भाव इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा, लैंको इंफ्रा और सीमेंस, ये अच्छी बढ़त लेकर ट्रेड करें। एमईपी इंफ्रा में इनफैक्ट विद वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बातचीत करेंगे एमईपी इंफ्रा की भी। लेकिन इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर मिस्टर सज्जन भजन का मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के। मिस्टर भजन का गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। एक अच्छी डेवलपमेंट जो आज हुई है वो है जीएसटी को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले ही इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ने कहा है कि 1 जुलाई से जीएसटी फाइनली लागू होगा और सभी स्टेट्स इसके लिए तैयार हो गई हैं। कितनी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको इकोनॉमी और अपने सेक्टर के लिए आप मानते हैं? क्योंकि थोड़ी सी अटकलें थी कि 1 जुलाई से लागू होगा या फिर नहीं, क्या ये डेडलाइन फिर से एक्सटेंड होगी, लेकिन अब 1 जुलाई से लागू होना कितना पॉजिटिव आप मानते हैं? हमारे सेक्टर के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, देश के लिए भी बहुत पॉजिटिव है और ये हमारे लिए वास्तव में बहुत बड़ी खबर है ये। हालांकि हम लोग श्योर थे 1 जुलाई से लागू होना ही है क्योंकि संवैधानिक प्रॉब्लम थी और डिले करने में, तो अच्छा है। हमारे पर्टिकुलरली एनी सेक्टर जहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है और टैक्सेस ज्यादा हैं, जैसे हमारे सेक्टर में करीब एक्साइज एंड वेट लेके 28-29% टैक्स हो जाता है, तो एनी सेक्टर वेर दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वेरी बिग। हमारे सेक्टर में अगर वॉल्यूम वाइज लें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर 80% है और वैल्यू वाइज लें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर 70% है, तो ये तो फिर ऑर्गेनाइज को फायदा मिलेगा।
इनफैक्ट मिस्टर भजन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्राइस डिफ्रिसिएशन है वो भी एक कंसर्न अब तक रहता था. कम से कम 15% का डिफरेंस तो प्राइसेस में होता ही था. तो आप, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल अगर 1 जुलाई से होगा, तो दो चीज़ें मैं समझना चाहती हूँ. आप जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए मार्जिन सिचुएशन कितनी इंप्रूव होगी, और कितना जल्दी इसका रिफ्लेक्शन फाइनेंशियल्स पर दिखना शुरू हो जाएगा पोस्ट 1st of July? मैं आपको एक आश्चर्यजनक डाटा देता हूँ. हमारे सेक्टर में 3300 यूनिट है प्लाईवुड के अंदर. उस 3300 यूनिट में 2500 यूनिट खाली 1.5 करोड़ के अंदर है. टोटल एक्जम्पशन में एक पैसा टैक्स नहीं देते हैं. 2500 से लेके 3200, 700 यूनिट जो है वो 5 करोड़ के नीचे हैं, जो 1.5 करोड़ के बाद में 2-2.5 करोड़ है, और अगले साल फिर एक्जम्पशन लेंगे. खाली 100 यूनिट ऐसी है जो पूरा टैक्स देती है. तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो अनऑर्गेनाइज यूनिट है जो टैक्स बिल्कुल नहीं देती, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ से घटकर 20 लाख होने वाली है. तो वो सारी यूनिटें एक्जम्पशन से बाहर चली जाएगी. तो हम लोगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा. जी, जी, और फिर ये जो 28-29% का हमारा टैक्स लगता है और वो बहुत कमती में निकल जाते हैं, तो उसमें एक बराबरी आ जाएगी. जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर भजन का, आपने व्यूज अपने शेयर किए. तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को फायदा होगा, सभी सेक्टर्स पर इसका एक पॉजिटिव असर दिखेगा. वही बात मिस्टर भजन का ने भी अभी आपके सामने शेयर की. लेकिन लॉजिस्टिक्स में स्पेशली एक अच्छा मूव आज के सेशन में आया है, हमने बातचीत की भी, जिसमें इम्तियाज का मानना है कि ब्लू डार्ट एक स्टॉक है जिसको आप देख सकते हैं. लेकिन एक और शेयर जिसको पोजिशनल नजरिए से आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, वो आपको बता देते हैं. रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का, मिड डे जैकपॉट. मिड डे जैकपॉट में जो स्टॉक पिक किया गया है उसको न्यूज़ फ्लो, उसके फाइनेंशियल्स और स्पेशली टेक्निकल मोमेंटम के आधार पर पिक किया गया है. स्टॉक है आज का टाइम टेक्नोप्लास्ट. इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, जो टारगेट्स पोजिशन नजरिए से रेकमेंड किए जा रहे हैं वो हैं 106 रुपये के. स्टॉप लॉस आपको 95 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा. खरीदारी की सलाह क्यों दी जा रही, सबसे पहले आपको टेक्निकल रीजंस बता देते हैं. अगर आप देखेंगे फरवरी मंथ का इसका मूवमेंट, तो एक स्ट्रांग मोमेंटम इसने लोअर लेवल से दिखा है. 4 महीने से लगातार ये स्टॉक करेक्ट हो रहा था, लेकिन फरवरी के दौरान अच्छा रिवर्सल इसने लोअर लेवल से दिखाया है. पिछले 8 सेशंस के जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं, 57% के आसपास डिलीवरी वॉल्यूम्स रहे हैं. और जब डिलीवरी वॉल्यूम स्ट्रांग रहते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि जब बढ़त आती है, जो तेजी आती है, वो सस्टेन करे और कुछ और सेशंस में मेंटेन हो. डेली चार्ट पर भी स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से अच्छा ट्रेंड ये स्टॉक दिखाए. वहीं अगर आप इसके अर्निंग्स के देखेंगे, तो पिछली 3 तिमाहियों से लगातार कंपनी के मुनाफे में कांस्टेंट ग्रोथ हमने देखी है. क्वार्टर 3 में जो ऑपरेटिंग मुनाफा है वो भी 22% बढ़कर करीब 73 करोड़ के आसपास रहा है. मुनाफे में 31% की ग्रोथ आती हुई दिखी है. कंपनी का जो कैश ईपीएस है वो भी 7.25 रुपए के आसपास है. तो अर्निंग्स में हमने कांस्टेंट ग्रोथ देखी है पिछले 3 क्वार्टर्स में. टेक्निकल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम यहां से पोजिशन नजरिए से अगर आप देखते हैं स्टॉक को, तो वो बिल्डअप हो सकता है. आप इस स्टॉक को पोजिशन नजरिए से देखिए, जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं वो 106 के हैं, 95 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है. तो टाइम टेक्नोप्लास्ट आज का मिड डे जैकपॉट, जो कि अभी 3.5 रुपए की बढ़त दिखा रहा है. एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे और कुछ और सेगमेंट्स को देखेंगे जो आज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे.